इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, प्रिंस चार्ल्स के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्होंने खुद एक वीडियो ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मामूली लक्षण हैं इस कोरोना वायरस के, इसलिए उन्होंने इसका टेस्ट कराया और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं इसके बावजूद काम करता रहूंगा, लेकिन हमारे और आपके लिए सोचने की बात यह है जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी इससे सुरक्षित नहीं, और समझिए इस बात को कि उनका सुरक्षा तंत्र तो हम लोगों से बहुत मजबूत रहा होगा, उनके लिए काम करने वाले बहुत जागरूक लोग रहे होंगे, वो खुद बहुत जागरूक लोग रहे होंगे, और प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति कितने प्रिकॉशंस लेता होगा, बचाव करता होगा अपना, उसके बावजूद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले प्रिंस चार्ल्स, शाही राजघराने के राजकुमार हैं प्रिंस चार्ल्स, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और देखिए तस्वीरों में ये तो नमस्ते करने लगे थे, जहां जाते थे हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्ते करते थे सबसे, भारत को अच्छी तरह समझते हैं, काफी आना जाना रहता था इनका भारत में। तो आप देखिए प्रिंस चार्ल्स और उनके बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव हो गया है। तो ये बीमारी अपने पैर लगातार और पसारती जा रही है, दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं, कुछ देशों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत में हम अभी तक खुशकिस्मत हैं कि बहुत रफ्तार के साथ मामले इसके नहीं आ रहे हैं, हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, आज 700 के पार जो है मामले जा चुके हैं इसके, 17 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि 66 लोग ठीक होकर भी जा चुके हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में हैं जो उपचार से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन तरीका एक ही है बचने का और वो है सावधानी।